जी व्यूअर, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? मज़े में। बहुत टाइम के बाद जो है मैं आज आपसे जो है ना ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, और मेरी जो है आने वाली जो वीडियोस हैं, ब्लॉग्स हैं, बड़े मज़ेदार और एक्साइटमेंट वाले, एक्साइटेड वाले होने वाले हैं, एक्साइटमेंट भरे होने वाले हैं। क्यों होने वाले हैं? क्योंकि मैं जा रही हूँ अपनी होम कंट्री पाकिस्तान। मेरी होम कंट्री है, वहाँ पर मेरे बहुत लोग हैं, मेरे अपने हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर भी मेरे बहुत अपने हैं। बट ये कि यू नो, अपनी जो है ना, अपनी होम कंट्री जब बंदा जाता है तो बहुत एक्साइटमेंट होती है उसको। सो बस हम लोग जाएंगे इंशाल्लाह। आफ्टर 2 डेज हमारा प्लान है, हमारी जो है ना फ्लाइट है। सो आज जो है मैं अपने आज जो है शॉपिंग वगैरह करनी है मुझे, आज भी कल भी पैकिंग और ये और वो सब। सो बस आप लोग साथ साथ रहें और बने रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में बताएं आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। आगे आने वाली वीडियोस मेरी पाकिस्तान में होगी, ये वीडियो जो है इसमें थोड़ी मेरी शॉपिंग की होगी, थोड़ी मेरी ट्रैवलिंग की होगी, और देन उसके बाद जो वीडियोस आएंगी वो मैं पाकिस्तान से शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो चलिए फिर बने रहिए इसी तरह, आगे देखते जाइए क्या क्या होता है। हानी जी, तो डायरेक्ट एकदम जो है ना इंट्रो देके मैं एयरपोर्ट पहुंच गई, और एयरपोर्ट पे ये हुआ कि 2 दिन से जो है ना बड़े मैंने थोड़ी सी क्लिपिंग भी ऐड की कि जो है शॉपिंग वगैरह की, और अब मैं डायरेक्ट एयरपोर्ट आ गई। बहुत हंगामा था, बीच की वीडियोस मैं नहीं कैप्चर कर सकी, बट ठीक है, अब हम एयरपोर्ट पे शारजा एयरपोर्ट पर हैं। हम एयर अरेबिया की फ़्लाइट से हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। सो शारजा एयरपोर्ट है और बड़ा कॉम्पैक्ट सा है ये, और बड़ा मज़ा आता है, छोटा सा है, ज़्यादा वॉक भी नहीं है, तो बड़ा इन्जॉय करते हैं। तभी हम फूड कोर्ट में आए और भूख लग रही है क्योंकि मॉर्निंग में निकले हुए थे, तो यू नो ट्रैवलिंग से पहले ना खाने पीने का नहीं होता, सारा हो गया काम हो गया हमारा, और हम यहाँ पर बैठे फूड कोर्ट में तो कुछ खाते हैं, तो आप लोग मेरे साथ साथ रहेंगे। कराची एयरपोर्ट और लैंडिंग हो चुकी है, और हम जा रहे हैं भाग भाग के इमिग्रेशन पे। तो ये देखें इस तरह से एक्साइटमेंट है बहुत ज़्यादा, देखते हैं आगे चल के क्या रहता है।